रवि ये तो चाचू ये देखिए मंदिर के अंदर आते ही ये शांत हो गई है। भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है। हाँ बेटा मंत्रों की शक्ति से डायन शांत हो गई। तू मुझे यहाँ नहीं रोक सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू मेरा। मैं यहाँ से बाहर निकल कर रहूंगी। चुप कर डायन, तुझे यहाँ से बाहर निकलने देंगे हम तब ना तो कुछ कर पाएगी, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार तो शीशे से बाहर आ गई ना तो पूरी दुनिया पर खतरा छा जाएगा। ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। चलिए चाचू। हाँ बेटा चलो। अरे ब्रजेश भैया जी, शुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं ताकि फिर कोई अनहोनी ना हो। अब कोई और अनहोनी नहीं होने वाली है ताईजी, क्योंकि हमने डायन को कैद कर लिया है ये इस शीशे के अंदर। आइए हवन पूरा कीजिए। बैठ बेटा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। हम क्या करें चाचू, अब शांति से पूजा समाप्त होने देते, उसके बाद इसी मंदिर में हम उस शीशे को नष्ट कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मंदिर के अंदर ही नष्ट हो जाएगा चाचू। बेटा एक मुसीबत तो हमारे सर से उतर गई है, अब तुम जाकर आकर्ष को शत्रुभा से बचा लो। आज उनकी सुहागरात है, अगर वो उसे पाने में सफल हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। नष्ट होना है तो होने दीजिए चाचू, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी ना, लेकिन जब वो कुछ मानना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते तो फिर क्या फायदा। पता नहीं इस डायन से कब पीछा छूटेगा, अपनी सुहागरात छोड़ के इसे बचाने जाना पड़ रहा है। आप लोग बैठिए, मैं देखती हूं। वहीं रुक जाओ शत्रुपा, क्या क्या कर रही हो तुम? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी चाहती, मैं यहाँ किसी की जान लेना नहीं चाहती। डायन को शीशे में कैद करके तुमने बहुत बड़ी भूल की है। वो शीशा मुझे दे दो। कभी नहीं। जान भी मुझे मजबूर मत करो। अब डायन को खत्म करने से तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। जाओ शत्रुपा, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है मैं डायन हूँ कि ये रीति रिवाज रसम पूजा ये सब मुझे मंदिर में आने से रोक सकता है? तुम भूल रहे हो कि राजा के मंदिर हम तुम्हें ले गए थे। ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा था ना तुम इस मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, तब तक तुम्हारे अंदर माया भी शक्ति थी, तुम मंदिर के अंदर आ सकते थे। लेकिन अब तुम डायन के साथ मिली हुई हो, इसके लिए तुम्हारे अंदर भी काली शक्तियां आ चुके हैं। और भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि उनके पवित्र स्थान पर कोई काली शक्ति प्रवेश करे, इसलिए चली जाओ यहाँ से, तुम अंदर नहीं आ सकते। डायन को मैं तुम्हारी कैद से छुड़ा कर रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कितनी तैयारियां की हैं शत्रुपा ने, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। परफेक्ट। डायन शीशे में क्या?
मुझे उसकी मदद करनी होगी, पर मैं अपने नियम के अनुसार मैं इंसानी दुनिया में नहीं जा सकती। मुझे डायन की रक्षा करनी होगी। अब मुझे उसके बेटे को आगाह करना ही होगा, क्योंकि अब उसका बेटा ही उसकी रक्षा कर सकता है। आकाश, लगता है आकाश तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं कैसे बताऊं उसे कि उसकी मां की जान खतरे में है? आज तक हमने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब तुम्हारी बारी है। मैं उस मंदिर में नहीं जा सकती, भस्म हो जाऊंगी, इसलिए अंदर जाकर तुम्हें मेरा काम पूरा करना होगा। लेकिन क्या? जानवी के हाथ में एक पोटली है, उसके अंदर एक शीशा है। किसी भी हाल में वो शीशा मुझे लाकर दो, वरना आज तक जो भी हासिल किया है सब बर्बाद। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्यों, मंदिर सिर्फ तुम्हारा है, मैं भक्त नहीं हूँ भोलेनाथ की। क्या करूं, इतने लोगों के बीच कैसे छीनूं जानवी के हाथ से वो शीशा? एक तो डायन खुद फंस गई, ऊपर से हमें भी फंसा दिया। वहां आकर्ष सुहागरात मनाने के लिए हमारा इंतजार कर रहे होंगे, और हम यहां फंसे हैं। समझ नहीं आता कि डायन उस शीशे में कैसे कैद हो गई। ये लोग अपने आप को समझते क्या है? तुमने मुझे उकसाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम सबको भुगतना होगा। रुक जाओ, तूने मुझे कह करके अच्छा नहीं किया जानवी, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अब भुगतने के लिए तैयार हो जा। डायन शीशे से बाहर आ गए, वो अपनी कैद से आजाद हो गए, अब वो जानवी को नहीं छोड़ेगी। क्या करूं, कैसे रक्षा करूं जानवी की? मैं यहां से कुछ कर भी तो नहीं पा रही हूं। ऐसा क्या काम आ गया कि शत्रुपा सुहागरा छोड़कर चली गई, और काफी देर भी हो गई है, मुझे देखना चाहिए।
तुम कहाँ थी? माफ कर दीजिए, एक जरूरी काम था इसलिए चली गई थी, वरना आपको छोड़ के कभी नहीं जाती। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ना बाहर से कोई अंदर आएगा ना अंदर से कोई बाहर जाएगा, सिर्फ आप और हम। एक मिनट, ये अंगूठी, ये तो जानवी की अंगूठी है। हाँ शायद जब कमरा साफ करने आई होगी तो गिर गई होगी। नहीं, जब वो मुझे बाहर मिली थी मैंने उसके हाथ में देखी थी, उसने अंगूठी अपने हाथ में पहनी हुई थी। पता नहीं इसे देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे मैंने पहले कहीं देखा है। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, कुछ तो खास है इसमें। यही तो करती रहती है, आपको भटकाना चाहती है, मुझसे दूर करना चाहती है, जानबूझ के गिराई होगी उसने। धोखे, इतने दिनों तक हमारी आंखों के सामने हमें धोखा देती रही और हमें शक तक नहीं हुआ। एक भोली सूरत के पीछे हैवान छुपाए मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। जिस लड़के से जानवी की शादी कराई वो लड़का ही डायन निकला तो इस नौकरानी का क्या भरोसा, इसके धोखे पर क्या रोना? पूरे घर में ही जब काली शक्तियों का वास तो किस पर भरोसा कर सकते हैं हम, बताओ। शीशे में कैद होने के बाद आशा जानवी पर बहुत भड़की हुई है, बाहर निकलते ही उसका आक्रोश देखा। मुझे तो जानवी के लिए बहुत चिंता हो रही है, हम उसे कैसे बचाएंगे? हमारी सारी कोशिश एक एक करके बेकार हो जा रही है बहू, पता नहीं डायन क्या करेगी। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो बच गई है, हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। आज अगर सत्रुपा नहीं होती तो डायन कभी भी आजाद नहीं हो पाती। ये सत्रुपा और डायन मिलकर और भी ताकतवर हो गए, समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों को कैसे हैंडल करें। छोड़ बेटा, जो हुआ सो भूल जा तू, अब तो वो जादुई शीशा भी नहीं रहा, अब तो ये सोचो कि आगे करेंगे क्या, उन्हें रोकेंगे कैसे हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाचू एक बात सोचे, अगर पतालिनी माँ वो शीशा हमें दे सकती है डायन को कैद करने के लिए, तो उनके पास कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा डायन को अपने काबू में लाने के लिए। हमें पतालिनी माँ से मिलना होगा चाचू, उनसे मदद मांगनी होगी, वही हमारी मदद कर सकती है। लेकिन उन तक पहुंचेंगे कैसे? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, आओ जानवी, जानवी इसके ऊपर बैठ जाओ। आंखें बंद कर लो, अपना ध्यान केंद्रित करो। जानवी, पतालिनी माँ को आवाज दो, उन्हें बुलाओ, तुम्हारी आवाज को सुन लेंगी वो। बता लेनी माँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये तेरा जादुई शीशा अब तेरी बच्ची के पास, उससे लड़ने के लिए कोई शक्ति नहीं। उसकी मौत की घड़ी शुरू होती है, अब कुछ ही समय में मैं अमर होकर
500 सालों की तपस्या पूरी करूंगी, कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं। तू कभी अमर नहीं हो सकती डायन, देख लेना, तुझे कोई ना कोई जरूर रोकेगा। इस संसार पर कभी राज नहीं करेगी तू। ये सब आपने हमारे लिए किया। तुम मेरी खुशी हो, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। ये खुला आकाश, इतने सारे चकमकाते सितारे, आज रात से कुछ और खूबसूरत शायद ही होगा। वैसे एक बात पूछे तुमसे, तुम्हारा नाम शत्रुपा कैसे पड़ा? तुम सात रंगों में कैसे बिखर गए? क्या कहानी है तुम्हारी? ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? आज रात केवल आपका दिल और हमारा दिल और उसका मिलन। हमें साथ रहने के लिए तो पूरी जिंदगी है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहता हूँ। बताओ ना, क्या कहानी है तुम्हारी? बता दे। अपने लोक में अपने परिवार के साथ हम बहुत खुश थे। हमारे पिताजी इस संसार के सर्वोत्तम जादूगर थे। हमें रंग बिरंगी तितलियां पसंद थी। हमारे पिताजी मंत्र पढ़कर छड़ी घुमाकर ढेर सारी तितलियां हमारे लिए ले आते। पूरा दिन हम उनके साथ खेलते, उनके पीछे दौड़ते, खुशी खुशी खेलते। एक दिन हमारे पिताजी अपनी साधना में तल्लीन थे। हम वहां पहुंचे, तितलियों से खेलना चाहते थे। इंतजार करने की बजाय हमने हमारे पिताजी की छड़ी उठा और जो भी सुना सुना मंत्र था उसे पढ़ के छड़ी घुमा दी। मंत्र गलत था, उस छड़ी से अत्यंत शक्तिशाली ऐसी ऊर्जा निकली कि सीधे जाके हमारे पिताजी को लगी। एक क्षण में उनके प्राण निकल गए। हमारी मां भी नहीं बचा पाई उन्हें। हमारी मां इतनी आक्रोश में आ गई कि उन्होंने हमें श्राप दे दिया, कहा कि हम तितलियों की तरह सात रंगों में बिखर जाएंगे। हमारा असली रूप तभी बनेगा जब ये सातों रंग एक होंगे। दरखास्त कर दिया हमें वहां से श्राप देकर, इंसानी दुनिया में भेज दिया। हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे, गलती। शत्रुपा, तुम इसमें अपने आप को दोष नहीं दे सकती। तुमने जानबूझकर अपने पापा को नहीं मारा, वो तो एक छोटी बच्ची की भूल से हुई गलती थी। बुरा जरूर हुआ, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। पतालिनी माँ कोई जवाब ही नहीं दे रही है। चाचू क्या करें? मुझे आशा से बात करनी होगी। डायन की आंखों में आंखें डालकर उसे सवाल करना होगा, ये जानते हुए भी कि मनी उसके पास है और वो मनी के जरिए अमर हो सकती है। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते चाचू। लेकिन करें क्या? याद है आशा ने हमें पेट का गुफा के बारे में बताया था? उसने हमें जान बूझ कर उस गुफा के बारे में बताया था। अमर तवा विधि को पूरी करने के लिए आखिरी पड़ाव पर उसे मेरी बलि चढ़ानी पड़ेगी। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे डायन लोग जाना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पागल हो गई हो तुम? वो तुम्हारे खून की प्यासी है और तुम डायन लोग जाना चाहती हो? नहीं, कभी नहीं। चाचू समझने की कोशिश कीजिए, ये सब कुछ मैं जानती हूँ वहाँ पे मेरी जान को खतरा है, लेकिन चाचू हम ऐसे डर कर ऐसे कमरे में चुपचाप नहीं बैठे रह सकते ना। हमें डायन को रोकना होगा। चाचू एक बात समझने की कोशिश कीजिए, इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी मैं आपके सामने हूँ, सही सलामत हूँ। इसका मतलब क्या है चाचू? इसका मतलब यही है कि महादेव का आशीर्वाद है मुझ पर, मुझे कुछ नहीं हो सकता, डायन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ डायन लोग जाना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, जब डायन लोग जाने का रास्ता आशा के कमरे में है तो फिर खंडर में जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? चाचू इस दरवाजे से मैं वो पतालिनी माँ ने जो शीशा दिया था उसके जरिए जा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो शीशा तो रही नहीं हमारे पास।
तो हमें बेटका गुफा के रास्ते से जाना होगा। आओ जानवी आओ, तुम्हारा ही इंतजार है मुझे। मुझे कैद करने की जरूरत कैसे की? अब तो तुम मेरे हाथों ही मरेगी। बेटा तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। चाचू आपका आशीर्वाद है ना मुझ पर, कुछ नहीं होगा आपकी जानवी को। अच्छा ठीक है, अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन उसके पहले मुझे एक और जगह जाना होगा। आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं बल्कि आपको बताने आई हूँ भगवान। आज मैं डायन से मिलने जा रही हूँ, वो डायन जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मेरे पास उसका सामना करने के लिए ना तो कोई हथियार है और ना ही कोई शक्ति, सिर्फ मेरा आपके लिए विश्वास है और भक्ति। बस आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना भगवान, शक्ति देना कि आज मैं डायन का सामना कर सकूं और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। आपकी सृष्टि संकट में, अगर डायन अमर हो गई तो पूरी सृष्टि खतरे में आ जाएगी। मेरी मदद करना महादेव। तुपा मैं तुम्हें कभी नहीं दुख पहुंचाऊंगा, मैं हमेशा हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। बस ये तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। आपको हमारा कौन सा रंग पसंद है? मुझे तुम्हारा हर रंग पसंद है, क्योंकि मुझे तुम पसंद। किसी एक रंग को चुनकर मैं दूसरे रंग को नाराज नहीं कर सकता। तुम जैसी हो, जिस रंग में हो, मुझे पसंद है। कैसा खतरनाक जंगल है, घबरा मत। अच्छा हुआ मैं अपनी तंत्र विद्या का सारा सामान ले आया। जानवी, छोटा मंदिर, इसके अंदर तो ना तो कोई मूर्ति है और ना ही कोई जौन। आशा ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, और वो खुद भी नहीं है यहाँ पे। चाचू, एक बात तो माननी पड़ेगी, हिम्मत बहुत है तुझ में। अब तो तेरे पास जादुई शीशा भी नहीं जानवी, फिर भी आ गई। बुराई से लड़ने के लिए कोई हथियार की जरूरत नहीं है, हिम्मत और हौसला काफी होता है, जो शुरू से है मेरे पास। और हाँ, मेरे भगवान का आशीर्वाद भी है मेरे पास। भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। जब तक जान है, मैं आखिरी सांस तक तुझसे लड़ती रहूंगी। मणि मेरे पास है, अमर प्रताप विधि से बस कुछ ही दूर हूं मैं। और तुझे अब भी लगता है कि तू मेरा बाल भी वाखा कर पाएगी? बिल्कुल सही समय पर आई है जानवी, आधी रात तो बस अब होने को है।
जानवी 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 को डायन ले भी नहीं, मेरी जानवी को डायन नहीं ले जा सकती, नहीं जानवी। मैं ऐसे डायन लोग यहां कैसे पहुंच गए? क्या हुआ, डर गई या चौंक गई? वो इंसानी फिराना और डायन लोग के बीच का द्वार है। जब चांद अपनी बुलंदी पर होता है उस वक्त कुछ पल के लिए मैं अपनी शक्तियों से किसी को भी यहां ला सकती हूं, और इसीलिए आधी रात को पेट का गुफा आने के लिए मैंने ही तुझे कहा था। आज तू यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगी, क्योंकि आज मैं तेरी बलि लूंगी। बली बंद बन गया है, अब सिर्फ मुझे तेरी आहुति की तैयारियां करनी है और फिर मैं हमेशा अमर हो जाऊंगी। मैं अमर हो जाऊंगी। आप लोगों में से किसी ने चांदी को देखा? वो अपने कमरे में नहीं है, विजय चाचू भी कहीं नहीं मिल रहे। भगवान, अभी दोनों कहां चले गए? भाई साहब, चाचू, विजेश, तुम अकेले, जानवी कहां है? भाई साहब, जानवी को वो डायन आशा ले गई है। क्या? आशा जानवी की बलि चढ़ाना चाहती है। क्या बोल रहे? क्या कहां कहां लेकर गई है उसे? पता नहीं भाई साहब। मैंने कहा था कि डायन बहुत गुस्से में, अब हम जानवी को कैसे बचाएंगे? जानवी को बचाने का कोई तो तरीका होगा हमारे पास चाचू। हाँ, एक तरीका है। कौन सा? मैं अपनी बच्ची को कैसे बचा सकता हूँ, बताइए। हाँ अपनी भाई साहब, उसको अगर कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ आकर्ष। सिर्फ आकर्ष ही अपनी माँ को रोक सकता है। चाचू, लेकिन आकर्ष ये सब क्यों करेगा? ये तो उसकी पूरी मेमोरी उड़ गई है। ऊपर से वो चांदनी की हेल्प क्यों करेगा? उसे कुछ याद नहीं है। वीर, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं उससे जाकर बात करूंगा। हमारी जानवी ने उसे अपनी जान से बढ़कर प्यार किया है, उसे जानवी की जान बचानी पड़ेगी। नहीं चाचू, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप अगर जाएंगे सतरूपा आपको मार देगी। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं आज उससे जाकर बात करूंगा। मैं उसकी आंखें खोल कर ही रहूंगा। उसके बाद अगर मेरी जान चली जाती है तो चली जाए। मेरी जिंदगी से बढ़कर मेरी बच्ची की जिंदगी है। चाचू, अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ चलूंगा। चलिए, ठीक है, चलो चलो। हे भगवान, आकर्ष, आकर्ष दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। शोर मचाना बंद करो। आकर्ष से मिले बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। हटो, हटो यहाँ से। आकर्ष, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चले जाइए यहाँ से। आकर्ष, मेरी बात सुनो। आकर्ष तुम्हारी माँ आशा जानवी को उठाकर ले गई, तो उसकी बलि देना चाहती है। आप मेरी माँ के असली रूप के बारे में कैसे जानते? इस राज का तो किसी को भी नहीं पता। मैं इस राज को जानता हूँ और इस राज को जानवी भी जानती। मैं तुमसे विनती करता हूँ, जानवी की जिंदगी को बचा लो, अपनी माँ आशा को रोक लो। आकर्ष, इनकी बातों को मत सुनो, ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। आपकी और हमारी सुहागरात को भंग करना चाहते हैं। जानवी नहीं भेजा होगा इन्हें। जानवी ऐसी नहीं है जो किसी की पीठ पर वार करे। अगर उसे कुछ बात करनी होती तो वो सामने आती, हमें ना भेजती। आकर्ष, तुम जो कुछ भी देख रहे हो ना, वो सारी माया इस शत्रुपा की है। इसने और तुम्हारी माँ ने मिलकर ये सारा जाल रचा है। इन दोनों की काली शक्तियों ने जानवी की जिंदगी को नरक बना दिया है। आकर्ष, तुम्हारा सच्चा प्यार जानवी है, तुम्हारी पत्नी जानवी है। हर सुख दुख में उसने तुम्हारा साथ दिया है। एक बार याद करने की कोशिश तो करो, इसके माया जाल से बचने की कोशिश करो। आकर्ष, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने की कोशिश करता हूं।
तुम्हें याद है काली शक्तियों से मुक्त करने के लिए हमने तुम्हें दिव्य खंजर से मारने की कोशिश की थी। और जानवी ने हम सबके खिलाफ जाकर तुम्हें बचाया था आकर्ष। बात करने की कोशिश करो, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा, तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अपनी छाती पर देख लो, घाव भर गया होगा लेकिन निशान अभी भी होगा, देख लो तुम। इसे कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ याद नहीं? ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। सच तो ये है कि जानवी ने आपकी माँ को शीशे में कैद कर लिया था। जब मैं आपको छोड़कर यहाँ से गई थी तो आपकी माँ को बचाने गई थी। पूछिए इनसे ये बात सच है कि नहीं। हाँ, ये सच है, पर जानवी ने उसमें डायन को कैद किया था। सुन लिया आपने, मार देना चाहते हैं आपकी माँ को। नहीं आकर, तुम मेरी माँ को मारना चाहते हो? आकाश प्लीज, आज मेरी शादी की पहली रात है और इस पहली रात को मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन आगे से तुमने मेरी माँ के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं आकर्ष, आकर्ष मेरी बात को समझो, वो मर जाएगी तुम्हारे बिना। अब जाइए यहाँ से। आकर्ष आकर्ष मत करो ऐसा, तुम याद करने की कोशिश तो करो, थोड़ी सी कोशिश। मुझे कुछ याद नहीं करना, जाइए। मर जाएगी, आकाश तो तुम्हारी पत्नी है। तुम आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम समझ नहीं। चलिए यहाँ से, चलिए बाहर निकलिए, बाहर निकलिए यहाँ से, चलिए बाहर निकलिए, आकाश बाहर निकलिए, जाइए यहाँ से। आकाश मेरी बात सुनो, इसने आकाश रूपा ने तुम्हें अपने कब्जे में किया हुआ है। चाचू चाचू मर जाएगी। चलिए चाचू। तू मेरे बेटी की सुहागन है, शादी की है तूने उससे, अब ये रिश्ता तेरा अस्तित्व है। आज मैं तेरी बलि लूंगी इसी शादी के जोड़े में, ये मंगलसूत्र और अरे सिंदूर, सिंदूर जो रह गया। आज के दिन कोई दुख, कोई नाराजगी, कोई गुस्सा, इन सब की कोई जगह नहीं है। आज सिर्फ आप और मैं और हमारा प्यार। तुम्हें याद है काली शक्तियों से मुक्त करने के लिए हमने तुम्हें दिव्य खंजर से मारने की कोशिश की थी। तुम अपनी छाती पर देख लो, घाव भर गया होगा लेकिन निशान अभी भी होगा।
आज मैं तेरी बलि चढ़ाकर अमर हो जाऊंगी, अमर। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आकाश मेरी हेल्प करो, आकाश प्लीज। अब जानवी का ख्याल भी हमारे बीच में नहीं आने दूंगी। अब वैतालिनी पर तेरे खून से अभिषेक होगा। अभी से हिम्मत हार गई? अरे अभी तो बलि की विधि शुरू भी नहीं हुई है। तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। तड़प तड़प कर मरेगी तू, तड़प तड़प कर। मुझे कैद किया था तूने, मुझे मारने की कोशिश की थी। अब तू देख कैसे मैं तेरी आत्मा के टुकड़े कर कर के तेरे जीते जी तेरे शरीर में से एक एक कर कर बाहर निकालूंगी और उसे खत्म कर दूंगी। जानती भी है कितना दर्द होता है। रू कांप उठेगी और तू तब तक नहीं मरेगी तब तक मैं तेरे शरीर से आखिरी टुकड़ा ना निकाल दू। मैं तुझे नहीं मार पाई तो क्या हुआ डैन? तेरा अहंकार तुझे मार डालेगा। आत्मा को कोई नहीं मार सकता डायन। आत्मा तो अमर होती है, न शास्त्र उसे काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है। और
और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा का तो ना कोई रूप होता है और ना ही कोई रंग। तू ये सब कैसे समझेगी डायन? तेरे सर पर तो खून सवार है, अमर बनने का, सर्वशक्तिशाली बनने का जुनून सवार है डायन तेरे सर पर, जुनून। ये सारे नियम तेरे इंसानी दुनिया के हैं, मेरे डायन लोक में कोई पाबंदी नहीं है। मैं तेरी आत्मा को 5 हिस्सों में बांटूंगी। पहला चक्र स्पर्श यानी छूकर एहसास होने की शक्ति खत्म। दूसरा चक्र गंध यानी सूंघने की शक्ति खत्म। तीसरा चक्र श्रवण यानी सुनने की शक्ति खत्म। चौथा चक्र स्वाद यानी जीभ का एहसास खत्म। और पांचवा चक्र जानना चाहोगे? वो है दृष्टि यानी देखने की शक्ति खत्म। तेरे इस 5 ज्ञान नियंत्रण को पातालिनी को समर्पित करके, तेरी बड़ी की विधि पूरी करके मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी, अमर। और इसके बाद तू सिर्फ एक जिंदा लाश होगी, जिंदा लाश। वो है मौत से भी बदतर। ऐसी जिंदगी बना दूंगी तेरी, तेरा कोई वजूद नहीं होगा। सपने देखने का हक हर किसी को होता है, तू भी सपने देखता है, अच्छे से देख। लेकिन तेरा कोई भी सपना कभी पूरा नहीं होगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा? तू रोकेगी मुझे? तू रोकेगी? तू रोकेगी मुझे? सुन, कोई नहीं रोक सकता मुझे। कौन तेरी मदद करेगा बता ना, कौन आएगा तुझे बचाने? तेरी बलि तो मैं लेकर रहूंगी और मैं देखती हूं कौन रुकता है मुझे। आकाश प्लीज, प्लीज मेरी हेल्प करो आकाश प्लीज।